जम्मू कश्मीर में लिथियम का खजाना मिलने के बाद अब भारत के लिए एक और बड़ी खबर है। देश के 3 जिलों में सोने का भंडार मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने सर्वे में पाया है कि ओडिशा के 3 जिलों में सोने का भंडार है। ओडिशा के खनन मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने जानकारी दी है कि ये भंडार देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिले में पाया गया है। विधानसभा में विधायक सुधीर कुमार सामल के सवाल पर मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने लिखित जवाब दिया और कहा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राज्य के खनन और भूविज्ञान निदेशालय ने अपने सर्वेक्षण में ये पाया है कि देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज के जिले में सोने का भंडार मिला है। चलिए अब जानते हैं कि सोने का ये भंडार कहाँ कहाँ मिला है। सोने का ये भंडार मयूरभंज की 4 जगहों सूर्यागुड़ा, रुआनसिला, धुशुरा पहाड़ी और जोशीपुरा में मिला है। देवगढ़ की एक जगह अदास पर और क्योंझर का दिदिरी मुंडा, कुशकला, गोटीपुर और गोपुर में मिला है। इन इलाकों में साल 1970 और 80 में जीएसआई का सर्वे कराया गया था, लेकिन उसका परिणाम जारी नहीं हुआ था। लेकिन पिछले 2 सालों से जीएसआई इन 3 जिलों के अंदर लगातार सर्वे कर रही थी। इसके बाद पता चला कि इन जगहों पर सोने का भंडार है। फिलहाल अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इन 3 जिलों में सोने का भंडार जो मिला है उसकी मात्रा कितनी है, कितनी मात्रा में गोल्ड यहाँ मौजूद है। आपको बता दें कि सोने से पहले देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला। ये भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी में मिला था। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई के मुताबिक भंडार 59 लाख टन का है। इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम मिलने के बाद भारत को अब इसके लिए बाकी देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि लिथियम सफेद रंग की एक धातु होती है जो सबसे ज्यादा बैटरी बनाने में इस्तेमाल होती है। ऐसे में इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।